सबसे पहले हम कांच पट्टी पे जहाँ हमें कांच बनाने हैं वहाँ निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम कांच पट्टी को पकड़ेंगे मोड़ के ऐसे, और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। जितना बड़ा हमारा बटन हो उस हिसाब से हम कट लगा लेते हैं, छोटा या बड़ा। हमें मीडियम साइज़ का बटन लगाया है तो हमने छोटा ही रखा है कांच। अब इस तरीके से सुई को हम कपड़े के बीच में से डालेंगे, इससे नॉट पीछे की तरफ दिखाई नहीं देती है, कपड़े के बीच में आ जाएगी। और अगर हमें चकोर बनाना है तो हम इस तरीके से पहले इसको कर लेंगे, फिर पीछे से आगे की तरफ सुई को निकाल लेते हैं। इस तरीके से देखिए, धागे को पीछे रखेंगे और सुई आगे से इस तरीके से निकाल लेते हैं। पहला ऐसा रहेगा टाका, उसके बाद ऐसे करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। सुई में हमने डबल धागा डाला है, इस तरीके से ऐसे रखेंगे, ऐसे निकालते जाएंगे इस तरीके से। बराबर दूरी पे हम करेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे, ऐसे ये देखिए आगे से, ये पीछे से, ऐसे ही हम इसको देखिए पास से इसको ऐसे निकाल लेंगे, धागे को टाइट कर लेंगे टाके को, ऐसे सुई पीछे धागा पीछे की तरफ ही रहेगा, ऐसे निकाल लेते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए पूरा हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब यहाँ हम गोलाई दे देंगे हल्की सी, कपड़े को थोड़ा घुमा देंगे, ये देखिए कपड़ा घुमा लेते हैं अपनी तरफ को, धागा सुई के पीछे ही रहेगा इस तरीके से। अब हम ये हमने देखिए आगे से गोलाई शेप दे दी है इसमें काज में। वैसे ही हम पूरा काज बनाते जाएंगे, सुई में डबल धागा डालेंगे, सिंगल डालने से ज़्यादा पतला हो जाता है। ये देखिए ये हमारा काज अच्छा सा बन रहा है, ये देखिए। अब हमारा ये काज बन गया है। ये लास्ट टाका लेने के बाद सुई को हम यहीं से ऐसे पीछे की तरफ ले लेंगे ऐसे, और अब यहाँ ये देखिए पीछे से भी कितना साफ से बना है। अब यहाँ पे इसको हम लॉक कर देंगे, नॉट लगा देंगे डबल करके, और धागे को काट देंगे। देखिए पीछे से भी कोई सब सफाई से बना हुआ है दोनों तरफ से। अब बटन डाल के देख लेते हैं, देखिए आराम से बटन जा रहा है इससे, ये देखिए तैयार है हमारा काज।